हाय गाइज, मैं उमाना सिंह। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो पहले आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम अपनी नई वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको मिल सके, हमारी वीडियो आप देख सकें। दोस्तों, तो आज 11 अगस्त 2019 है और रविवार का दिन है। आज तक के लिए जितनी करेंट अफेयर्स प्रिपेयर हुए हैं उन सब की जानकारियाँ मैं आज देने जा रहा हूँ। मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए और अपनी तैयारियाँ कीजिए दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो उसको एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। तो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करिए, उसको भूलिएगा मत दोस्तों। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है आपका करंट ऑफ द डे, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ व्यापारिक संबंध समाप्त करने की घोषणा की है? ऑप्शन है नेपाल, बी है श्रीलंका, सी जापान, डी पाकिस्तान। तो ऑप्शन इसका डी सही है दोस्तों। पाकिस्तान ने भारत से संबंध तोड़ने का समझौता कर लिया है। क्वेश्चन नंबर टू है आपका, हाल में ही किस देश ने भारत के साथ राजनयिक संबंध समाप्त करने की घोषणा की है? इसका भी ऑप्शन ए है चीन, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी भूटान। तो इसका भी ऑप्शन बी सही है, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर थ्री, किस देश द्वारा पाकिस्तानी डॉक्टर की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एमडी और एमएस की मान्यता रद्द करके उन्हें देश छोड़ जाने के लिए कहा गया? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी चीन। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही है, सऊदी अरब में। क्वेश्चन नंबर फोर, समझौता एक्सप्रेस ट्रेन भारत और किस देश के बीच चलाई जाती है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी नेपाल। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही है, ये ट्रेन जो है समझौता एक्सप्रेस ट्रेन भारत और पाकिस्तान के बीच चलाई जाती है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विंग कमांडर को वीर चक्र से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान, ऑप्शन बी कैप्टन सौरभ वर्मा, ऑप्शन सी विंग कमांडर जे एस वर्मा, ऑप्शन डी कैप्टन सुरेश तिवारी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही है, विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, हाँ, एग्जाम गुरु अकेडमी से आपका है, हाल में ही किस राज्य के वृक्षारोपण महाकुंभ अभियान ने 22 करोड़ से अधिक पौधे लगाने के बाद विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए है आपका राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी जो है उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसका भी आप आंसर हमें कमेंट कीजिएगा। और आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, हाल में ही किस राज्य ने वृक्षारोपण, ये तो अभी पूछ गया तो देख लीजिए, इसका ऑप्शन डी सही है दोस्तों, इसका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य जो है 22 करोड़ से भी ज़्यादा पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है दोस्तों। यह अभियान भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 की 77वीं वर्षगांठ के अवसर पर शुरू किया गया था। राज्य में अभियान के तहत 12.2 लाख स्थानों पर 22 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। दुनिया में पौधों का सबसे बड़ा वितरण एक और रिकॉर्ड बन गया था जब प्रयागराज में केवल 6 घंटे में 76,823 पौधे मुफ्त में वितरित किए गए थे। आइए क्वेश्चन नंबर टेन, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए स्तनपान के मामले में किस राज्य में पहला स्थान हासिल किया है? ऑप्शन ए है आपका मणिपुर, बी असम, सी नागालैंड, डी सिक्किम। इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए, नहीं आया तो हम बता ही देते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन आपका ए सही है, मणिपुर। तो मणिपुर जो है स्तनपान के मामले में पहला स्थान प्राप्त किया दोस्तों। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन, तो ये भी क्वेश्चन है दोस्तों जी कहीं पूछा जाता है, स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री इस समय कौन है? हर्षवर्धन जी हैं, ने नई दिल्ली में स्तनपान पर एक रिपोर्ट जारी की। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार रिपोर्ट कार्ड में अंतिम स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर थ्री आपका, हाल में ही महाराष्ट्र के कोल्हापुर और सांगली जिलों में बाढ़ की स्थिति को कम करने की मदद के लिए कर्नाटक राज्य के किस बांध पर 5 लाख
कि उससे पानी छोड़ने की सहमति व्यक्त की गई है। ऑप्शन ए है अल्टमाटी बांध, बी अर्जुन सागर बांध, सी हीराकुंड बांध, डी भाखड़ा नांगल बांध। तो चलिए इसका आंसर आपको हम बताई देते हैं हाल में ही। तो अल्टमाटी बांध ऑप्शन ए इसका दोस्तों सही है, अल्टमाटी बांध। द अल्टमाटी डैम इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन द कृष्णा रिवर इन नॉर्थ कर्नाटका इंडिया, विच वॉज कंप्लीटेड इन जुलाई 2005। चीफ मिनिस्टर यहाँ के आपके हैं देवेंद्र फंडनविस जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर सीएम जी हैं, ये आपका इंडिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए है प्रणब मुखर्जी, बी हामिद अंसारी, सी एम वेंकैया नायडू और डी है अरविंद केजरीवाल। तो हमारा आंसर कमेंट कीजिए, अगर आ रहा है तो ज़रूर कमेंट कीजिए दोस्तों, हम आपका वेट कर रहे हैं, कमेंट कीजिए। चलिए अच्छा नहीं आया तो बता ही देते हैं। तो वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है। तो ये ऑप्शन इसका दोस्तों सी सही है, एम वेंकैया नायडू। तो एम वेंकैया नायडू जी इस समय राज्यसभा के सभापति हैं, ये मिस्टर एम वेंकैया नायडू ये सामने दिख रहे हैं एम वेंकैया नायडू जी। हाल में ही एम वेंकैया नायडू ने भारतीय जनता पार्टी के राकेश सिन्हा को भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। हाल में ही आरबीआई ने किस फंड ट्रांसफर सुविधा का लाभ 7 दिनों और 24 घंटों में उपलब्ध कराने की घोषणा की है। ऑप्शन ए नेफ्ट, ऑप्शन बी थेफ्ट, ऑप्शन सी बेस्ट, ऑप्शन डी सेफ्ट। तो इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। चलिए इसे देख ही लेते हैं। हाल में ही आरबीआई ने किस फंड, तो दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही है नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो ये 24 घंटे और 7 दिनों में फंड जो है ट्रांसफर हो जाएगा दोस्तों, ये आपका क्या है नेफ्ट। नेफ्ट प्रणाली का उपयोग 2 लाख रुपये तक के कोर्स के हस्तांतरण में किया जाता है। नेफ्ट द्वारा दोस्तों क्या है कि बैंक से पैसा अपने आप आपके खाते से कट जाएगा, या आपका कोई LIC या कोई चीज़ बीमा पूरा हो गया है, अगर नेफ्ट से आप जोड़ देंगे तो आपका LIC पूरा होने के बाद वो पैसा आपके सीधे अकाउंट में आ जाएगा, और ये पैसे जो है 24 घंटे 7 दिनों के अंदर आपके अकाउंट में आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए है राहुल गांधी, ऑप्शन बी कुमार विश्वास, ऑप्शन सी उर्जित पटेल, ऑप्शन डी शक्तिकांत दास। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, हम आपका वेट कर रहे हैं, इसका आप आंसर कमेंट कीजिए। आंसर देखने से पहले पहले आप आंसर कमेंट कीजिए, हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए 5 काउंट करते हैं, 5 काउंट करते करते आप कमेंट कीजिए। 1 2 3 4 5। चलिए नहीं आया तो बता देते हैं, इसको अच्छे ढंग से याद कर लेना दोस्तों। हमारे RBI, RBI फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आपकी नासिक में है और यहीं पर पैसा छपता है। इसके जो गवर्नर हैं कौन है, शक्तिकांत दास जी, इसका ऑप्शन डी सही है दोस्तों। तो घरेलू व वैश्विक मांग की गिरावट के कारण भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने वित्त वर्ष 2019-2020 में देश की आर्थिक विकास दर 6.9% रहने का अनुमान जारी किया है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने वित्त वर्ष 2020-2021 की पहली तिमाही के लिए GDP विकास दर 7.4% रहने का अनुमान लगाया है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने वर्तमान में बैंक रेट को कितने प्रतिशत रखा है। आप बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन ए है 5%, ऑप्शन बी 5.65%, ऑप्शन सी है आपका 7% और ऑप्शन डी है 8%। हमारा आंसर देखने से पहले आप आंसर कमेंट कीजिए। 1 2 3 4 5। चलिए तो ऑप्शन देख लीजिए, नहीं आ रहा है तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI के वर्तमान रेट के कितने प्रतिशत रखा गया है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन बी सही है 5.65%, अच्छे ढंग से याद कर लेना दोस्तों। तो बैंक रेट है आपका 5.65 और रिपो रेट है आपका 5.40%, रिवर्स रिपो रेट आपका 5.15%,
एमएसएफ जो रेट है 5.65%, सीआरआर रेट जो है 4%, एसएलआर जो है 18.75%। दोस्तों इसको अच्छे ढंग से याद कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाल में ही नोबेल पुरस्कार विजेता लेखिका टोनी मॉरिसन का निधन हो गया, वो किस देश की निवासी थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिकी, ऑप्शन डी जो है दक्षिण अफ्रीका। चलिए नहीं आ रहा तो इसका आंसर बता ही देते हैं, तो ये जो है आपका ऑप्शन सी सही है दोस्तों, अमेरिकी। तो ये क्या थे, अमेरिकी लेखिका थे, सामने ये दिख रहा है इनका चेहरा, टोनी मॉरिसन, ये अमेरिका के रहने वाले थे। बॉर्न 18 फरवरी 1931 लोरियन ओहियो यूनाइटेड स्टेट। तो इनका जन्म जो है दोस्तों 18 फरवरी 1931 लोरियन ओहियो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाल में ही किस स्थान पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक वाहन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए है हरियाणा के मानेसर में, ऑप्शन बी ग्रेटर नोएडा में, ऑप्शन सी बेंगलुरु में, ऑप्शन डी मुंबई में। आंसर कमेंट कीजिए। चलिए देख ही लेते हैं, तो दोस्तों इसका ऑप्शन ये सही है, हरियाणा के मानेसर में। तो प्लेस हरियाणा के मानेसर में इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ICAT में कॉन्क्लेव का आयोजन ICAT द्वारा इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी के क्षेत्र में एंड नए ट्रेंड और चुनौतियों पर फोकस करते हुए किया गया था दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाल में ही बांग्लादेश में रहने वाले कितने रोहिंग्या शरणार्थियों को संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त UNHCR द्वारा पहचान पत्र जारी किया गया? तो ऑप्शन ए है 1 लाख, ऑप्शन बी 2 लाख, ऑप्शन सी 3 लाख, ऑप्शन डी 5 लाख। तो आइए आप देख लेते हैं दोस्तों, इसका आंसर डी सही है दोस्तों, 5 लाख लोगों को उसने पहचान पत्र जारी कर दिया है। तो एक कार्ड म्यांमार के अपने घरों में लौटने के लिए रोहिंग्या शरणार्थियों के अधिकार को स्थापित करने सुरक्षित रखने में मदद करेगा। UNHCRS यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर्स फॉर रिफ्यूजी, ये इसका फुल फॉर्म है, इसको लर्न कर लीजिए। उंगलियों के निशान और आइरिस स्कैन सहित जायोमेट्रिक डेटा कैप्चर करता है, जो प्रत्येक शरणार्थी विशिष्ट पहचान के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को सुरक्षित रखता है। तो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी हेडक्वार्टर कहाँ इसका, जिनेवा में है स्विट्जरलैंड, और फाउंडर इसके जो है यूनाइटेड नेशंस है, फाउंडर 14 दिसंबर 1950 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। हाई कमिश्नर कौन है इसका, फिलिपो ग्रांडी जी हैं। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी व्यक्ति दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजेनियस पीपल किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी व्यक्ति दिवस जो कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए 8 अगस्त, ऑप्शन बी 9 अगस्त, ऑप्शन सी 10 अगस्त, ऑप्शन डी 11 अगस्त। अगला क्वेश्चन आपसे है, हाल में ही दक्षिण अफ्रीका के किस बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो ऑप्शन ए है हसीम अमला, बी इमरान ताहिर, सी डेविड मिलर, डी इवेन प्रिटोरियस। तो इसका आंसर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट है, हाल में ही उरुग्वे किस फुटबॉलर ने पेशेवर फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? तो ऑप्शन ए है डिगो फोरलान, बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन सी लियोनेल मेस्सी, डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मणिपुर की 9 वर्षीय बच्ची का क्या नाम है जिसने हाल में ही मुख्यमंत्री ग्रीन मणिपुर मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये, ऑप्शन ए है आपका नकाको एलिना, बी अम्बा साले, सी एलम्बाब वेलेंटिना देवी, डी उमेका राजगीर।
आंसर कमेंट कीजिए अगर आ रहा है तो। नेक्स्ट है, हाल में ही किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बेसहारा गौरवंश सहभागिता योजना शुरू किया? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी छत्तीसगढ़, डी उत्तर प्रदेश। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया हो दोस्तों एक बार इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारे व्हाट्सएप पे भी आप मिल सकते हैं, हर जगह आप मिल सकते हैं, अपना जो भी चीज़ है उसे कमेंट कीजिए। ओके, कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत एंड हैव ए नाइस डे।